और आप सब पर हमारे प्यार बना रहे, मतलब आप सब हमारे पापा प्यार बने रही। तो क्या तुम कहे जब हर जगह बोले भोजपुरी में पहले मतलब कविता पे कॉमेडी भाई हम कहा था नहीं सुबह भाई तो सब भोजपुरी है मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहा हमारे ले लिया हमारा से हाँ तो सबके मोबाइल चल गए ना हमारा मोबाइल में खींचे में कोनो अथी नहीं है केहू खींच सका का तो कहे के बा कुदारी में पेड़ चाहिए महल में गेट चाहिए घर घर चपले चाहिए लड़का बझावे के जूता में सोल चाहिए तकिया में फल चाहिए माउस के ओल चाहिए चोखा बनावे के लालटेन में बाती चाहिए खाए में नाशपाती चाहिए बुहियन के नाती चाहिए मन बहलावे के लास्ट में कहे के बा कचहरी में गोट चाहिए छापे के नोट चाहिए नेतन के और चाहे मंत्री बनावे के जय हिंद जय भारत। तो अभी इतने ना अभी और कुछ हम कहे कि जैसे अभी क्या हुआ हमारे पापा बड़ी अति रहो अब लग रहा था कि हमारे बिया हो जाए पापा पापा में क्या पूछ रहा हुआ कल मेरे पापा पूछ रहे थे वो बेटा कैसी लड़की चाहिए शादी करने खातिर तो हम भी कह दिए जिंदा लड़की चाहिए कुछ गलती कहे सुबह भाई और आप लोगों के साथ तो दवासी का सपोर्ट से आज मेरे पास इतने रुपया है कि मैं चुटकियों में एक पार्ले जी खरीद सकता हूँ। आप लोगों के साथ तो दवासी का सपोर्ट से आज मेरे पास इतने रुपया है कि मैं चुटकियों में एक पार्ले जी खरीद सकता हूँ। और एक बात लड्डू बनाते वक्त उसमें काजू डालकर निकाल लीजिए खाने वालों को लगेगा सर मेरा काजू गिर गया है। नहीं समझे लड्डू बनाते वक्त उसमें काजू डालकर निकाल लीजिए खाने वाले को लगेगा सर मेरा काजू कहीं गिर गया है। जब मैं पहली बार चिकनगुनिया का नाम सुना तो मुंह में पानी आ गया बाद में पापा चला गया भयंकर बीमारी हो। अरे हंसते रहो थोड़ा काची होता है ताली बजाते रहो तो ना हम लोग कहे मजा आएगा कि नहीं। तो जैसे कि एक बार हम प्रोग्राम दे रहे थे पटना तो हम हवाई जहाज से गए थे वहाँ तो उसमें हवाई जहाज में कौन रहती है लड़कियाँ हमसे बोली कि हम आपके फैन हैं तो उससे पहले तो मैं पहली बार हवाई जहाज में घुसा तो मुझे प्रणाम की नहीं क्या वेलकम हाँ वही जो आप सोच रहे हैं तो मैं भी बोला कि वेलकम मैं बोला तो फिर मुड़ी ढोला तो मुझे लगा कि वो कुछ छुपा के देने के लिए बोल रहे क्या तो फिर मैं टेढ़ा करिए ना टेढ़ा पूरा है हाँ तो मुड़ी झुका दी तो नहीं तो फिर मुड़ी झुकाई तो मुझे लगा कि मुझे भी झुकाना चाहिए शायद ये कुछ कहना चाहिए तो मैं ऐसे झुक गया तो वो मुझे देखने लगी तो मैं भी उसको ऐसे ही देखने लगा तो मुझे लगा कि वो मुझे पागल समझ रही है। मुझे लगा जो क्यों कैसे छा बोली मैं भी ऐसे झुक गया झुकने के लिए बोल रही है तो मुझे लगा कि वो मुझे पागल समझ रही है तो हम सर भीतर जाने के लिए बोली अब बोलो नहीं चाहती थी कैसे तो हमको पागल समझ गई थी तो ऐसे इस तरह भीतर जाइए तो हम सोचे कि वो भीतर ये कहीं जाने के लिए बोल रही है। अब मान लीजिए कि हम थोड़ा यूपी बिहार के लड़के हैं तो समझ ही सकते हैं चाहे हवाई जहाज के चाहे अमेरिका पाकिस्तान चाहे दुनिया कौन कौन हम जब से हैं ताक के तो उसको समझ में नहीं आएगी हम क्यों ताक के हम ताक के उसको इतना ताक के कि नीचे उतर के दूसरे आदमी को जो एयर होस्ट ताजा होता है क्या होता है उसको मेल होस्ट हाँ तो फिर वो उसको भेजी
तो फिर मैं उधर गया तो जाकर वो मुझे बोला कि आइए सर आइए आइए, ले गया हमको हवाई जहाज के जहाँ से शीशा से कोई झाँकते हैं वो वाला जगह को बैठा दिया। फिर बैठा दिया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, तब तक मोबाइल चलाने लगा। तो फिर एक लड़की आई, वो बोली कि सर अब अपना मोबाइल नहीं चला सकते हैं। तो हम माना बोले कि तुम्हारा बाप के मोबाइल लगा कि हम नहीं चला सकते हैं, हम चलाना शुरू किए। तो बोले कि सर अगर आप मोबाइल चलाएंगे तो हम अपना मोबाइल छीन लेंगे। तो हम बोल दिए कि तुम छीनो ना। तो बोले कि व्हाट व्हाट छीनो। तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि का भोजपुरियो समझ ही समझ सकते हैं। तो मैं मतलब बगल में एक आदमी बैठा था, वो मुझे बोला कि मोबाइल बंद करने, मैं बंद कर दिया। फिर थोड़े देर बाद मुझे सुसु आई, सुसु आई। तो मैं बोला कि सर उसको एयर होस्ट का जवाब दे, सर आई वांट सुसु। तो बोला कि व्हाट सुसु, अरे मोती मोती। तो बोला कि ओ आई मीन एक नंबर, मैं देख रहा यार क्या नहीं होगी। तो बोला कि होने जाओ। तो मैं बोला कि कैसे ले जाओ। तो फिर एक लड़की को बोला इसको उधर ले जाओ। तो फिर मैंने दिमाग गड़बड़ा लिया, बार बार वही लड़की आ रही थी और बार बार मैं कंफ्यूज हो जा रहा था। अब हम यूपी बिहार के हैं तो थोड़ा समझ सकते हैं भैया। तो फिर वो लड़की आई और बोली कि आइए इधर चलते हैं, इंग्लिश में बोली इंग्लिश मीटर में बोले। तो मुझे लग गया कि इधर जाने के लिए बोल रही है, थोड़ा अंग्रेजी नहीं समझता हूँ लेकिन भोजपुरी में तो कुछ हुआ फाड़ देंगे। तो हम गए वहाँ। तो लास्ट टाइम में होता है ना वो क्या होता है वही करने वाला। तो जाके गेटों पर खड़ा हो गए जाइए। तो अभी हमको पता नहीं था कि इन्हें से खोलना है कि इन्हें से खोलना है। तो हम देखे कि इन्हें से एक आदमी निकला तो हम एनिए से खोले, लेकिन उल्टा था, ऐसे 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 था। तो समझ रहे हैं ना सर गुरु जी, समझ रहे हैं ना। तो हम उसको ऐसे ठिकल रहे थे। तो बोली अरे वो बोली इधर से ओपन होगा डोर। डोर ये डोर क्या होता है, ताकने लगा। ताक ताक के देखा तो मुझे बाद में पता लगी जब मैं उधर से बतलाई तब कि आप कुछ नहीं समझ सकते हैं, ये खोल दिए और हम गया अपना काम हल्का हुआ। लग रहा था कि स्वर्ग की नदियों में मतलब कि उधर से आकर फिर नेट में चालू किया तो नेट चल ही नहीं रहा था, मतलब यही हुआ था। लेकिन मजा तो खूब आया जब हवाई जहाज वाली से, और वो मेरे साथ बाद में फोटो भी खिंचवाई नीचे और खूब मस्ती किए। तो मतलब कि अब क्या बोलूँ, यही कि लव यू वेरी मच। ताली नहीं बजाएंगे।